आशीष केलकर जी मेरे साथ इसमें मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश ये होगी कि बाजार में अब ये जो बिकवाली हुई है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से इसका मतलब क्या, और साथ साथ आपके सवालों को वो एड्रेस करेंगे। आशीष जी बहुत शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए सर। आज हफ्ते का पहला दिन और इतनी भारी बिकवाली देखने को मिल रही है, कहाँ तक जा सकता है मार्केट? गुड मॉर्निंग रजत जी, मैं मानता हूं कि निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी, और अगर किसी को नई शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो भी अभी भी बनाई जा सकती है, क्योंकि मैं मानता हूं कि निफ्टी 10,840 के स्तर को भी छूने की संभावना रखता है, तो यहाँ से और करीबन 35-40 पॉइंट की गिरावट हम देख पाएंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो स्टॉप लॉस इनिशिएट करना चाहिए 10,900 का और पहला लक्ष्य रहेगा 10,840 का। चलिए आदित्य जी का प्रश्न लेते हैं, गुरुग्राम से उन्होंने भेजा है और ये प्रश्न REC के ऊपर है, 525 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, हालांकि उन्होंने प्राइस नहीं बताया कि किस भाव पे उन्होंने खरीदे, लेकिन हाँ 133 रुपए के औसत भाव पे ये शेयर खरीदे गए हैं, वहां से बहुत नीचे आ गया सर, क्या करना चाहिए? ये घाटा हो रहा है इनको 8 से 9 हजार रुपए का, इसकी भरपाई कैसे होगी? अभी मैं मानता हूं कि चार्ट स्ट्रक्चर जिस तरह से दिखाई दे रहा है रजत जी, तो मैं मानता हूं यहां पे थोड़ा इनको समय देना पड़ेगा, लेकिन एक अच्छा लेवल है 110 रुपए का, यहां से हमेशा बाउंस बैक आते हुए हमने देखा है, तो 110 का स्टॉप लॉस लगा कि इनको होल्ड करना चाहिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए जो है 129 रुपया, जैसे यह स्टॉक 129 के ऊपर निकलेगा मैं मानता हूं वापस एक बार 155-160 के लेवल को छूता हुआ हम देख पाएंगे, इसलिए मैं इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 110। विशाल वर्मा जी ये पूछना चाहते हैं, ये नवी मुंबई से पूछना चाहते हैं कि ITI पे क्या करना चाहिए, इनके पास 1000 शेयर्स पड़े हैं इनके पोर्टफोलियो में और नतीजे भी आने वाले हैं इस कंपनी के, ये भी आज ध्यान में रखना होगा, 112 रुपए की खरीद है फिलहाल, 98 पे चल रहा है, 2% ऊपर है आज, ये तेजी इसको 112 तक ले आई तो एग्जिट कर जाएंगे सर, कोई मौका मिलेगा कि एग्जिट करने का? हाँ रजत जी मौका मिल सकता है यहाँ पे एग्जिट करने का, मैं मानता हूँ यहाँ से एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो शैडो इंडिकेटर्स मैं यूज करता हूँ वो पॉजिटिव जोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं मानता हूँ होल्ड करके चलना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको 93.5 पे लगाना चाहिए, जैसे ही ये स्टॉक 103 के ऊपर निकलेगा मैं मानता हूँ वापस एक बार 110-112 के लेवल को छूता हुआ हम देख पाएंगे। अच्छा आज जो दिक्कत होगी वो डॉक्टर रेड्डीज में होगी, एक बार इसका चार्ट फायर करें, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज और निफ्टी का सबसे ज्यादा टूटने वाला स्टॉक है, 11 आपत्तियां मिल गई है हैदराबाद इकाई को, कैसा लग रहा है ये स्टॉक अभी, क्या और दबाव देखने को मिलेगा इसमें? रजत जी इसने एक गैप डाउन के साथ आज हमने ओपनिंग देखा है इसका और उसके बाद बहुत नीचे फिसलता हुआ देखा है, लेकिन 2560 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इस काउंटर के लिए, अगर उसके नीचे फिसलता है तो बहुत दिक्कत बढ़ सकती है, तो जिनके पास ये स्टॉक है मैं मानता हूँ 2550 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए, नई लॉन्ग पोजिशन नहीं लेना चाहिए, हालांकि बहुत सस्ता हो गया इसलिए लॉन्ग पोजिशन नहीं बनानी चाहिए, जिनके पास है वो होल्ड करे 2550 का स्टॉप लॉस लगा। पवन शर्मा जी ये लिखते हैं जामनगर से, इन्होंने हुडको के ऊपर सवाल भेजा है, रियल एस्टेट सेक्टर वैसे कहीं ना कहीं फोकस में, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है पोर्टफोलियो में वो 300 है और खरीद भाव बहुत ऊपर का है, 72 के लेवल पे लेकर बैठे हैं हुडको का शेयर, अब घाटा जो वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया, अब इन स्तरों पर 39 पे बेचने की तो हिम्मत है नहीं, तो यहाँ पर निचले स्तरों से कुछ अगर खरीदारी हो जाए, एग्जिट करने का अपॉर्चुनिटी हो तो क्या निकल जाए? हाँ डेफिनेटली निकल जाना चाहिए, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर कंप्लीटली बेरिश है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे की तरफ चल रहा है, मैं मानता हूं कि इसने एक रिसेंटली डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन को भी ब्रेकआउट दिया है, और इसका अगला लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो 32 रुपीज का है, यहाँ से ये सीधा 32 नहीं जाएगा, एक बाउंस बैक अगर मिलता है, कोई रैली मिलती है तो उसमें निकल जाने की सलाह होगी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, वो मोहम्मद फरमान जी का इलाहाबाद से, फिलिप्स कार्बन ये शेयर है 500 और खरीद अभाव जो फिलिप्स कार्बन का इन्होंने मेंशन किया वो है 195, वहां से नीचे आ चुके हैं, इनफैक्ट ज्यादातर समय जो स्टॉक ने बताया वो 200 के लेवल के ऊपर पिछले साल बताया था, लेकिन अब इसमें पिछले कुछ 1-1.5 महीने से बहुत ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है, आशीष जी 157 पे आ चुका है, क्या करना चाहिए? राजीव जी मैं इसको थोड़ा सा समय देना चाहूंगा इस पर्टिकुलर काउंटर को, क्योंकि ये एक ऐसे लेवल के करीब है जो एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है, और वो जो लेवल है वो है 148 का, अगर ये स्टॉक 148 के नीचे फिसलता है तो इसका लक्ष्य करीबन 123 का निकल के आ रहा है, तो मैं मानता हूँ 148 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह होगी, इस पर्टिकुलर काउंटर में 163 का एक लेवल है, अगर वो क्रॉस होता है तो एक अच्छा खासा प्राइस मिल सकता है, वहां पे एग्जिट करना चाहिए। चलिए अगला निखिल पांड्या जी के प्रश्न, मुंबई से इन्होंने भेजा है, लिंकन फार्मा ये है पोर्टफोलियो में और 1000 क्वांटिटी है इन्होंने जो मेंशन किया, फिलहाल 186-187 के आसपास जो लिंकन फार्मा ट्रेड कर रहा है, इन्होंने की खरीद भाव है 230 की, आशीष जी बहुत ऊपर ले लिया, इनफैक्ट ये जो हमारे जो दर्शक है ना, जो मैं अभी क्वेरीज पढ़ता चले जा रहा हूँ, मुद्दा यही है कि बाजार में करेक्शन होगी, स्टॉक से निकले नहीं है, हायर लेवल पे खरीद रखा है, अब लिंकन फार्मा इसी का एक और एग्जांपल है, क्या करना चाहिए, 230-220 के आसपास दोबारा आ सकता है ये?
थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर वो कितना समय दे सकते हैं या यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो मैं मानता हूँ कि अभी फिलहाल होल्ड करना चाहिए। इस पर्टिकुलर काउंटर को हम देखते हैं तो इसने 2017 में 2018 में एक लेवल को हमेशा टेस्ट किया और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक हमें मिलता हुआ देख पा रहे हमने, और वो पर्टिकुलर जो लेवल है वो है करीबन 176 का। तो जब तक ये स्टॉक 176 के ऊपर है, मैं मानता हूँ इनको थोड़ा समय देना चाहिए। अगर ये स्टॉक 176 के नीचे फिसलेगा तो सीधा 140 तक आ सकता है, तो 175 का एक स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल होल्ड करें। ऊपर की तरफ का इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा इसका वो है 195 क्रॉस किया तो वापस एक बार 220 दिख सकते हैं। चलिए, लेकिन बाजार में बिकवाली जो 71 पॉइंट्स नीचे है निफ्टी 71।